मेरा नाम है खिजेल। सो गाइस आज हम अगेन वापस आ गए एक और वीडियो को लेकर। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही सेम रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो यार वीडियोस के बारे में ढेर सारे। और आज का जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं, सबसे पहले इसका टाइटल शेयर करते हैं आपसे। सो गाइस दिस वीडियो का टाइटल अमेजिंग फैक्ट अबाउट वेस्ट बंगाल इन इंडिया। यार क्या हो गया इंडिया को सच में यार, कभी ईस्ट में कभी वेस्ट में इतने सारे आप लोगों के पास स्टेट है। हमें तो बंगाल का ये पता है बांग्लादेश है, बट ये वाला सीन जो है फर्स्ट टाइम देखेंगे और इसके अमेजिंग फैक्ट देखने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग, आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगे। और प्लीज कहानी आप लोगों ने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन लाजमी ठीक है ना। तो हम टाइम नहीं जाया करते, जल्दी से इसको देखना स्टार्ट करते हैं। और ये भी बता दें कि इस वीडियो का लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। अपनी देश और दुनिया की सीरीज में आज हम भारत के एक राज्य की बात करेंगे, जहाँ के लोग अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम इसी राज्य में मौजूद है। तो वही सबसे इसी राज्य को प्राप्त है। ये भारत का वो राज्य है जहाँ सबसे ऊँचा रेलवे स्टेशन है। भारत में सबसे ज्यादा भिखारी आपको इसी राज्य में देखने को मिलेंगे। लाइट एरिया भी इसी राज्य में है। यहाँ की लड़कियाँ देश की ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे खूबसूरत मानी जाती है। खाया जाता है, साथ ही मछली के बिना यहाँ खाना अधूरा माना जाता है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बेहद ही खूबसूरत राज्य पश्चिम बंगाल के बारे में। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज के वीडियो। पश्चिम बंगाल की राजधानी शहर है कोलकाता। पश्चिम बंगाल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये राज्य हिमालय की पहाड़ियों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला है। दुनिया के सबसे बड़े मैनग्रोव जंगल भी इसी राज्य में स्थित है। यहाँ आज भी हाथ से खींचने वाले रिक्शे चलाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसी बातें हैं जो पश्चिम बंगाल को बहुत खास बनाते हैं। अब में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल ही क्यों है, जबकि ईस्ट बंगाल नाम की तो कोई जगह है नहीं और ये राज्य भारत के पूर्व में स्थित है। असल में बात यह है कि आजादी के बाद बंगाल के एक बड़े हिस्से को ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया, जिसकी वजह से भारत के हिस्से को वेस्ट बंगाल का नाम दे दिया गया। दोस्तों बता दें कि दूसरी साइड पे बांग्लादेश है के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में यहाँ की मुख्य भाषा बंगाली के नाम पर इस राज्य का नाम बंगाल कर दिया गया। ये राज्य अपनी सीमाएं भारत में ओडिशा, झारखंड, बिहार, असम और सिक्किम के साथ साझा करता है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय से भी लगते हैं। आज पश्चिम बंगाल भारत का आबादी के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी जनसंख्या 10 करोड़ के करीब पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल की जीडीपी की बात करें तो आसपास है, पाकिस्तान से भी ज्यादा है, 90% है। बता दें कि सन 1980 के दौरान जब भारत में आईटी सेक्टर के लिए एक अच्छी जगह की तलाश की जा रही थी, तब सबसे पहले पश्चिम बंगाल को उसके लिए चुना गया था। लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यहाँ पर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गई तो राज्य के लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा। बाद में बैंगलोर को आईटी हब के रूप में विकसित किया गया। इस तरह के एक नेटवर्क की कई नीतियां अब तक पश्चिम बंगाल द्वारा की जा चुकी हैं। राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट स्थापित नहीं हो पाया, शायद इसी वजह से आज पूरे देश में सबसे ज्यादा भिखारी बंगाल में ही देखने को मिलते हैं। उत्पादक राज्य है, साथ ही यहाँ सेब, संतरा, अनानास, अदरक और इलायची की भी पैदावार होती है। ये राज्य अपने हैंडलूम और टेक्सटाइल्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बंगाल के हस्तशिल्प के कारीगरों द्वारा बनाया गया सामान हर किसी को आकर्षित करता है। बंगाल में तांत की साड़ी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ की महिलाएं जब तांत की साड़ी पहन के तैयार होती हैं, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। वैसे भी बहुत दूर दूर तक है। सुष्मिता सेन, मौनी रॉय, बिपाशा बसु और रानी मुखर्जी जैसी तमाम बॉलीवुड अभिनेत्रियां बंगाल से ही ताल्लुक रखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है। जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में 5वीं क्लास से ही बच्चों को लिटरेचर और संगीत जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाने शुरू कर दिए जाते हैं। सम्मानित महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे भी पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले थे। श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह और कुमार सानू जैसे बंगाल के कलाकार पूरी दुनिया में पश्चिम बंगाल का नाम रोशन। ये तो दुनिया भर में फेमस है, जिन्हें बाउल कहा जाता है और जिन्होंने बंगाल की संस्कृति में व्यापक योगदान दिया है। और बाउल करने वाले लोग एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते हैं और भक्ति गीत गाते हैं। बाउल एक रहस्यवादी गाथा है। बाउल परंपरा को यूनेस्को द्वारा मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृतियों के तहत लिस्ट किया गया है। अगर आप बंगाल जाएं तो एक बार बाउल जरूर देखें। आपको शायद इस बात की खबर हो कि महान समाज सुधारक स्वतंत्रता सेनानी रहे गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बात कही थी कि बंगाल जो आज सोचता है भारत वो कल सोचेगा। ऐसा
जाएगा इसलिए क्योंकि वो हमेशा ही दूर तक की सोच के चलते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इस राज्य ने कई ऐसी महान विभूतियों को जन्म दिया है जिनके कारण आज भारत की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, खुदीराम बोस और महान क्रिकेटर सौरभ गांगुली का जन्म बंगाल की पद्मश्री से सम्मानित महान जादूगर पीसी सरकार भी बंगाल से ही थे। फुटबॉल के प्रति एक अलग ही दीवानगी देखने को मिलती है। देश का पहला फुटबॉल क्लब मोहन बगान कोलकाता में ही स्थापित किया गया था। साथ ही भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल का मैदान भी कोलकाता में ही है, जिसे विवेकानंद भारतीय क्रीडांगना या सॉल्ट लेक स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ये तो हम बता ही चुके हैं कि कोलकाता को पश्चिम बंगाल की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। आपको शायद ही ये भी पता हो कि एक समय पे ये सिर्फ बंगाल राजधानी है ना, मतलब कैपिटल राजधानी हुआ करते थे। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान सन 1772 से लेकर 1911 तक कोलकाता ही भारत की राजधानी रही है। कोलकाता में भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है, जिसकी शुरुआत इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से की गई थी, लेकिन आज इसे नेशनल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। 22 लाख मैंने कभी नहीं सोचा था कि वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो कोलकाता। यार भारत का सबसे बड़ा किताबी मेला कोलकाता का नाम काफी मैंने सुना है, हमने रिएक्ट भी किया हुआ है। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन शुरू हुई थी। मुझे की बात तो यह है कि इस मेट्रो में आप आज भी सिर्फ 5 रुपए में यात्रा का आनंद ले सकते हैं। भी कोलकाता में सन 1821 में बनाया गया। ये भी मुझे पता है। इसके अलावा हमारे देश का पहला टीवी और पहला मोबाइल फोन वो भी कोलकाता ही में था। क्या गया था। वाव यार, सरप्राइजिंग है ये तो। जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैंने पहले कोलकाता को वॉच किया हुआ है। पश्चिम बंगाल में क्राइम रेट काफी ज्यादा है। चुनावों के समय मर्डर जैसे जुर्म यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चोरी छिपे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी यहाँ होते हैं। बताने की पश्चिम बंगाल में एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया मौजूद है, जिसका नाम सुना गया। रेड लाइट मीन्स के वो होगा और फिल्मों में भी देखा होगा। कई महिलाओं को यहाँ जबरदस्ती कैद किया गया है, जो चाह के भी यहाँ से भाग नहीं पाते हैं। देश का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर में स्थित है। स्टेशन है जो 2258 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है। हालांकि ये स्टेशन टॉय ट्रेन स्टेशन है। अगर आप कभी बंगाल जाएं तो दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन की सैर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के लोग अपनी भाषा बांग्ला को लेकर काफी सेंसिटिव है। भाषा के कारण ही सन 1971 में ईस्ट पाकिस्तान आजाद हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस दुनिया के 210 मिलियन से ज्यादा लोग बंगाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, तो वहीं असम और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बांग्ला भाषा दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेस्ट अफ्रीका के देश सियरा लियोन ने साल 2002 में बंगाली भाषा को अपने देश की ऑफिशियल लैंग्वेज नियुक्त किया था। बंगाली भाषा के संरक्षण के लिए ढाका यूनिवर्सिटी लैंग्वेज मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन के दौरान कई युवतों की मौत भी हो गई थी। इस आंदोलन और बंगाली भाषा के प्रति प्रेम को देखते हुए यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। बंगाल में साल में कई प्रकार के त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें दुर्गा पूजा राज्य का सबसे प्रमुख फेस्टिवल रौनक नजर आती है। और लोग माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। इसके अलावा काली पूजा, सरस्वती पूजा, नबो बोर्शो, डोल पूर्णिमा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राखी पूर्णिमा, काफी सारे फेस्टिवल पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के दौरान पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य और संस्कृति की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। बताने की खाने के मामले में भी बंगाली सबसे आगे हैं। बंगाल का रसगुल्ला भला किसे पसंद नहीं होता है। सन 1868 में नोबेन चंद्र दास व्यक्ति द्वारा रसगुल्ला का आविष्कार किया गया था। चौम चौम, कालोजाम जैसी बंगाली मिठाइयाँ पूरे देश में प्रसिद्ध है। दालेर पटरी, धोकर दलना, मुचार घंटो, कचूरी, चोप कटलेट, डेली भाजा, काटी रोल और फुचका सहित 100 से ज्यादा प्रकार की मछलियाँ और कई प्रकार का खाया जाता है। दोस्तों, आप जिस इंडियन चाइनीज फूड का आनंद लेते हैं, असल में इसकी उत्पत्ति भी कोलकाता शहर में ही हुए थे। इसकी पहली बार क्या हुआ था कोलकाता में यार, जायके और इंडियन जायके का मिश्रण किया, जिसे आज हम भारतीय चीनी के रूप में जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बंगाल के प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताते हैं। सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट का सबसे बड़ा मैनग्रोव्स का जंगल है। साथ ही इसे रॉयल बंगाल टाइगर का गढ़ भी माना जाता है। इसे यूनेस्को ऐतिहासिक धरोहर की सूची में भी शामिल किया हुआ है। यहाँ पर आप जंगल सफारी का आनंद भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको पश्चिम बंगाल में कई राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिल जाएंगे। सिंगलीला नेशनल पार्क, बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी, बक्सर टाइगर रिजर्व और जल्दापारा नेशनल पार्क की सैर भी आप कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में घूमने के लिए भी कई बेहतरीन जगह मौजूद है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। मशहूर मेमोरियल में घूमने के लिए हर साल लाखों सैलानी कोलकाता आते हैं। शहीद मीनार, सो ब्यूटीफुल अलीपुर चिड़ियाघर,
बेलोर मठ, दक्षिणेश्वर काली मंदिर जैसी अनेकों जगह आप कोलकाता में घूम सकते हैं। साथ ही कोलकाता की नाइट लाइफ का मजा भी आप जम के लीजिए। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक और प्रमुख शहर है जो अपने चाय के बगानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के चाय ये लो सामने सबसे सुंदर माने जाते हैं। सिलीगुड़ी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल का एक और प्रमुख हिल स्टेशन है। यार क्या क्या है यार, वेस्ट बंगाल के लिए मशहूर है। आपका दिमाग चाहे कितनी भी बेचैनी से क्यों ना भरा हो, यहाँ पर आकर आप सुकून जरूर महसूस करेंगे। यार ये बात काफी आकर्षित करता है। जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, इस जगह पर आप पवित्र गंगा स्नान कर सकते हैं। कुछ बिहार अपने रॉयल पैलेसेस के लिए मशहूर है, तो वहीं मुर्शिदाबाद में आप हजार दुआरी पैलेस का दीदार कर सकते हैं। चाय के बगान, झीलें और पहाड़ियाँ भी काफी आकर्षक और सुंदर है। शांतिनिकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर का घर हुआ करता था, जहाँ पर आज एक म्यूजियम बना दिया गया है। इसके अलावा हावड़ा का ब्रिज भी पश्चिम बंगाल में काफी मशहूर है, जो हावड़ा शहर को कोलकाता से जोड़ने का काम करता है। इस ब्रिज पे रोजाना तकरीबन 100,000 गाड़ियां गुजरती हैं। इन सब के अलावा अनेकों जगह जहां पश्चिम बंगाल में घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर आप बंगाल घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन सभी जगहों को अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल कर लें। तो दोस्तों ये था पश्चिम बंगाल। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें काफी ज्यादा ओके गाइस, वीडियो इज ओवर। तो ये था वेस्ट बंगाल। ये शॉकिंग था यार सब कुछ हमारे लिए, इतना कुछ और इतना बड़ा, मैं कहता हूँ आधा पाकिस्तान से भी ज्यादा यार ये तो यार। तो गाइस अमेजिंग, बहुत ज्यादा अमेजिंग शौक थे। और अच्छा मुझे एक जो था ना वो बड़ा ज्यादा अच्छा लगा कि जहाँ पर वो जो रेड लाइट एरिया वो वाली, और इसमें उनके गुर्बत बहुत ज्यादा ये वेस्ट बंगाल में, ये चीजें थोड़ी सी मतलब कि ना मुझे अजीब सी लगी, बट ओवरऑल यार बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है, खूबसूरत भी है और बहुत बड़ा यार। तो गाइस अमेजिंग मजा आया इस वीडियो को वॉच करके। आई होप सो कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, और करना आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है। तो हम अगेन आएंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो।